हेलो फ्रेंड्स, आज हम अरहर की दाल बना रहे हैं। तो इसमें हमने आज अरहर की दाल बनाई है, तो हम इसमें तड़का लगाएंगे। सो ये देखिए, हमने इसमें घी डाल दिया है 2 टेबल स्पून। तो जब घी गर्म हो जाए तब हम इसमें जीरा डालेंगे, और इसमें आप हींग भी डाल सकते हैं। मेरे पास थी नहीं, इसलिए मैंने हींग नहीं डाली है। जब ये जीरा हल्का चटक जाए तब हम इसमें कटी हुई लहसुन डालेंगे। ये देखिए, बारीक कटा हुआ हमने इसमें लहसुन डाल दिया है। तब ये हल्का सा सुनहरा हो जाएगा तब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च और प्याज डालेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पे प्याज डाल दी है। हमने यहाँ पर ये 2 प्याज काटी थी, और ये देखिए जब हमारी प्याज भुन जाएगी हमने इसमें हरी मिर्च डाल दी है। और हमारी प्याज सुनहरी हो गई है तब हम इसमें कटा हुआ टमाटर डालेंगे। हमने यहाँ पे 1 टमाटर काटा था। देखिए, इसमें आप थोड़ा सा नमक, हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि ये टमाटर जल्दी से भुन जाए। देखिए, इसको थोड़ी देर पकाएंगे ताकि टमाटर भुन जाए। इसको बीच बीच में हिलाते रहेंगे ताकि ये जले ना। और ये देखिए, हमारा टमाटर भुन चुका है। इसको धीरे धीरे दबा दबा कर इसको बारीक कर देंगे। ये देखिए, मैश हो जाएगा ये। ये देखिए, हमारा मसाला बन चुका है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका। तब हमारा ये टमाटर भुन जाएंगे तब हम इसमें अपनी बनी हुई दाल डालेंगे। हमने इस दाल को पहले ही पका लिया था। इसमें दाल को जब हमने पकाने रखा था, जब हमने इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और सब सारे मसाले डालकर इसको पका लिया था। अब हम इसमें ये तड़के में हमने अपनी दाल डाल दी है। ये देखिए, देखिए कितनी अच्छी हमारी दाल बनी है ये। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। ये देखिए, हमारी दाल कितनी प्यारी लग रही है। अगर आप दाल की रेसिपी जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। आगे दाल की रेसिपी बताऊंगी अगली वीडियो में। देखिए, बाद में हमने इसमें गरम मसाला डाल दिया है। ये देखिए, गरम मसाला हम बाद में ही डालेंगे। सो थैंक यू, बाय बाय।